आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और एजुकेशन से जुड़े लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है प्री का, उसमें कौन से कितने पोस्टेस थे उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कल एग्जाम का जो है रिजल्ट आ गया है प्री का, और 10 दिन के अंदर जो है आपके यूपी पीसीएस के वेबसाइट पर भी आपके नंबर भी शो होने लगेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू या फिर आप रोल नंबर के थ्रू अपना सारा जो है प्री का रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, नंबर वगैरह सब कुछ आपको पता चल जाएगा लगभग 10 दिन बाद। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं यूपी पीसीएस के अंतर्गत, यानी किन पोस्ट की सबसे ज़्यादा संख्या थी, किन की कम थी, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पोस्ट था यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका अब मेंस होने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो नायब तहसीलदार के थे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें किन की पोस्ट सबसे ज़्यादा थी। पीसीएस 2017 में पदों का वितरण, डिप्टी कलेक्टर का 22 पद, उसके बाद डिप्टी एसपी का 90, एसीटीटी का 1, सीटीओ का 80, जिला कमांडेंट होमगार्ड का 4, बीडीओ का 97, उसके अलावा जीटीओ या पीटीओ का 9, टीओ का 47, डीआरएमओ का 4। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो नायब तहसीलदार के 114 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा डीएसओ का 2, सहायक श्रमायुक्त का 8, अभिहित अधिकारी का जो है वो 2 पोस्ट था, कृषि अधिकारी समूह ख का 9 पोस्ट, सांख्यिकी अधिकारी का 5 पोस्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी का 5 पोस्ट, जेल अधीक्षक का 4 पोस्ट, डीपीआरओ का 10, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी का 16, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 1 का 15, उसके अलावा जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2 का 6, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी 14, कार्य अधिकारी पंचायती राज 1, जिला लेख परीक्षा अधिकारी 2, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंध 8, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 18, जिला रोजगार सहायक अधिकारी के 84 पद थे। तो इस प्रकार टोटल जो थे वो 27 प्रकार के कुल 677 पद थे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पद था वो 114 पद नायब तहसीलदार के लिए था। ठीक है, उसके अलावा एसटीटी कार्य अधिकारी पंचायत राज के सिर्फ एक जो है पद थे। तो ये थी टोटल जानकारी जो यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पदों के वितरण से संबंधित। देखिए, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ देखा जा रहा है, मतलब जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो अपना बता रहे हैं, जिनका 90 था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका 91 था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनका 92 या 93 था उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ जो है लगभग 92 जनरल का गया है, और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का लगभग कट ऑफ सुनने में आ रहा है कि 86 इसी के आसपास जो है कट ऑफ गया है। इसी प्रकार ओबीसी का लगभग 85 के आसपास गया है। तो धीरे धीरे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना नंबर आप लोग प्राप्त किया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उस बेसिस पे और लोगों को बताया जा सके, उनको सूचित किया जा सके कि लगभग कट ऑफ कितना गया था। बाकी कुछ दिन में तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो बस यही जानकारी थी आपको, एक तो पदों के बारे में बताने का, दूसरा कट ऑफ से संबंधित जो थोड़ा सा जानकारी मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।